नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं आज पंढरपुर तहसील में हूँ, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। आज 19 सितंबर 2021, यहाँ पर पेहे करके गांव है। यहाँ कुछ अपना रेवा प्लस पौधा लगा है। वेटरनरी डॉक्टर है, सर्विस करते हैं यहाँ पे। फरवरी में प्लांट लगा हुआ है, आइए डॉक्टर से ही समझते हैं। अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है रेवा प्लस। नमस्ते किसान। नमस्ते सर, आपका नाम परिचय बताइए। मराठीतून सांगितलं तर किशोर कराडे सर, आपके प्लॉट पे जाएंगे, वहाँ पे भी एक व्हिडिओ बनाएंगे। आपका नंबर, नाम, एड्रेस बताइए सर। हम लोग कहाँ पर है, ये क्षेत्र कौन सा है? सोमनाथ गायकवाड मेरा नाम है। ये पेहे में है, पंढरपुर तालुका, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, सोलापुर जिला। ये कौन सा पौधा लगा हुआ है और कौन सी डेट में लगा हुआ है? ये रेवा प्लस का पौधा है, 10 फरवरी को लगाया है। 10 फरवरी, हाँ। 7x5 डबल लेटरल की हुई है। काफ़ी एग्रेसिव किसान है, यहाँ पे 7x5 पे ही लगाते हैं, है ना? लेकिन 7x5 में लगाने के बाद में फिर किसान को मैं ये बताना चाहूँगा, जो दूसरे कॉपी करे तो, कि डबल लेटरल इसे चाहिए ही चाहिए, और बेड आपने जो बनाया हुआ है ऐसा ही बेड चाहिए, तो फिर किसान की मेहनत को अच्छा फल मिलेगा। बाकी आप बी किसान के साथ कैसे जुड़े और क्या? नहीं, हमें तुम्हारा वीडियो के माध्यम से ही, तुम्हारे यूट्यूब के माध्यम से तुम्हारा ये पौधा चुन लिया हमने। अच्छा, अभी इसमें फ्लावरिंग पूरा हो जाने के बाद सेकंड रटून की भी तैयारी आप इसमें कर लीजिएगा, और बंच मैनेजमेंट थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। ये 2-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई इसको फॉलो कीजिए। जैसे ये पूरा बंच निकला है, डंडे की मोटाई नीचे तक है, तो पौधे का तना गिन के इसका 4 से भाग दे के फिर इसको पंजा रखना है, तो फिर हमें लेंथ, शाइनिंग वगैरह अच्छी मिलेगी। उसको रहने दो सर, मैंने कर दिया उसको, है ना? अंदर ही था। बाकी इसमें भी मैं दिखा देता हूँ, ये जो पौधा है इसमें भी बंच मैनेजमेंट करके ये वाला पंजा निकालना है। बाकी नीचे तक तो एकदम जबरदस्त प्रीमियम लेंथ है। बाकी काफी अच्छा है, आप संपर्क में रहिए। थैंक यू किसान, थैंक यू भारत।